फर्स्ट टाइम कब जी? अच्छा जी, हमने डिफरेंट डिस्टेंस फार्मूलाज को देखा, हमने सिमिलैरिटीज़ को देखा, और हमें ये भी पता चला कि अगर आप सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर लें किसी भी चीज़ के दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो आप वन में से उसको माइनस कर दें सिमिलैरिटी को, तो आपको डिस्टेंस अगेन मिल जाता है। तो नाउ मल्टीपल वेज के दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। क्वेश्चन ये था कि ये जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं और इसके ऊपर ये सिमिलैरिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इस सारी का कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, तो वो मकसद एक्चुअली क्या है? तो जो इस चीज़ का मकसद है वो आज हम देखेंगे एंड उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं, इनको भी अभी हम देख लेते हैं एक्सेल पे, एंड इसके अलावा कुछ बोर्ड के ऊपर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है, इसके पार्ट टू में। सो प्लीज़, अगर किसी को किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो डू लेट मी नो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कुछ होगा, अगर आप भी क्विकली देखते हैं। सपोज़ करें कि आपके पास कुछ डाटा सेट मौजूद हो, हमें पता है कि अभी तक जो जितने भी हमने डाटा सेट्स देखे थे उन सारे डाटा सेट्स में लेबल मौजूद था, तो हम उसे कहते थे ये लेबल्ड डाटा सेट है। लेबल्ड डाटा सेट से हमारी क्या मुराद थी कि उस जो भी हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट मौजूद था उसके एंड पर एक कॉलम होता था, एक फीचर की तरह से एक कॉलम एक्स्ट्रा होता था, एंड उसके अंदर उस रिकॉर्ड की क्लास डिफाइंड होती थी कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें, और इसको हम कहते थे सुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट? अच्छा, फिर हमारे पास ये कह देती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग। उसमें हमारे पास होता क्या है कि जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो हमारे पास लेबल्ड नहीं होता। द क्वेश्चन इज़ कि अब अगर वो लेबल्ड नहीं है तो उसे लेबल कैसे किया जाए? लेबल ऑब्वियसली कैसे किया जाएगा कि हम ये सपोज करेंगे कि हमें पहले से, अभी जो हम मॉडल पढ़ेंगे के मीन को हम पढ़ेंगे, एंड उसको कैसे देखा जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, अभी हम देखते हैं। एंड उसका मेन मकसद क्या है? मकसद ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद पड़े हुए हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हमने किसी न किसी क्लस्टर का हिस्सा बनाना है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर हम अपनी डेटा सेट के अंदर क्लस्टर्स बनाएंगे कि यार ये सारे एक किसी स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करते हैं और ये सारे किसी एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है? उस क्लास को हम कोई नाम नहीं दे रहे, हम उन्हें जेनेरिक टर्म में क्लस्टर वन और क्लस्टर टू कहेंगे, ठीक है? इससे रिलेटेड हम ये जो आजकल कोरोना चल रहा है, अगर हमारे पास इसका डेटा सेट मौजूद हो तो हम इस डेटा सेट से भी काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको लेके चलें, आगे बढ़ें, ठीक है जी? ओके, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करते हैं हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है? इसको आप अगर गौर से देख सकें तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि ये वाली हैं, जो इस कॉलम में लिखी हुई हैं, ठीक है? अच्छा, हमने क्या किया कि इन तमाम को के साथ को हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी क्लस्टर वन का हिस्सा है और कौन सी क्लस्टर टू का हिस्सा है। सवाल ये उठेगा, अगला सवाल ये होना चाहिए, क्लस्टर वन और क्लस्टर टू क्या है? क्लस्टर वन और क्लस्टर टू से मुराद ये है कि दो ग्रुप्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो दो ग्रुप्स हैं उसमें हम बात करें के मीन की, एंड के मीन्स जो मीन मीन्स एवरेज, राइट? तो हमने क्या किया, हमने दो क्लस्टर्स बनाए और उन दो क्लस्टर से मुराद ये है कि हमने दो सेंटर पॉइंट्स रेंडमली चूज़ कर लिए। मैंने जो रेंडमली चूज़ किया, व्हाट इज़ वन इज़ 5 एंड द अदर वन इज़ 7। तो हमारे पास ये, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक नंबर पड़ा हुआ है, कौन से पे? यहाँ पर हमने 5 के ऊपर उसको चूज़ कर लिया, ठीक है? दूसरे को हमने 7 पे चूज़ किया है। तो ये हमारे पास ये जो ट्राइंगल से बने हुए हैं ये बेसिकली आपके सेंटर हैं, और जो आपके पॉइंट्स थे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, तो ये 2 पर पड़ा हुआ है, ये 3 पर पड़ा हुआ है, ये 5 पर, 6,
सेवन एट इलेवन, ये गैप है बीच में, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, राइट? सही, इसमें यहाँ तक किसी को वाइट होप से कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ तक अभी हम इन सब में ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो इनकी वाई वाली वैल्यू है दैट इज़ फाइव, तो ये सब के सब यहाँ मौजूद है। प्लीज़ इसको भी आपने, इस पोर्शन को इग्नोर कर देना, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना। ओके, अच्छा जी, अब क्या होगा कि हमारे पास हमने क्या किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाला, यानी जो दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं इन दोनों ट्राइंगल से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, अभी तो हम बिल्कुल सिंपल निकाल रहे हैं, एंड दैट इज़ 5 माइनस 2, एंड 5 माइनस 2 बिकम्स 3, राइट? अच्छा, मैं जब 3 की बात कर रहा हूँ तो ये मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, इसी तरह 2 का 7 से डिस्टेंस निकाला, इस 2 का 7 से डिस्टेंस निकाला, तो हमारे पास ये जो दोनों डिस्टेंस थे वो 3 एंड 5 आ गए। अब ये जो पॉइंट 2 है, ये जो पॉइंट 2 है, ये 5 के ज़्यादा करीब है या 7 के? पॉइंट 2 5, पॉइंट नंबर 5 से 3 का डिस्टेंस है, जबकि पॉइंट 2 का 7 वाले के साथ 5 का डिस्टेंस है, तो इन दोनों में से किसके ज़्यादा करीब है? इस वाले के ज़्यादा करीब है, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है? कि हमने कहा जी कि ये जो 2 है वो इस सेंटर के ज़्यादा करीब है, ठीक हो गया? और इसको हमने जो ब्लू, जो पहले सेंटर में आएगा उसको हम ब्लू कर देंगे, और ये इस शेप में, डायमंड शेप में आ जाएगा, और जो दूसरे क्लस्टर का इसका हिस्सा बनेगा उसको हम यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में ले जाएंगे, उसका मैंने कलर भी मुख्तलिफ कर दिया, ठीक हो गया? फिर 3 को जब हमने 5 में से माइनस किया और 3 को 7 से माइनस किया, डिस्टेंस निकाला, तो हमारे पास ये दो डिस्टेंस आ गए। तो 3 और 5 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? लेट सपोज 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 3 और 7 के दरमियान 4 किलोमीटर है। तो ये कौन से लोगों के ज़्यादा करीब है? तो वो ऑब्वियसली 5 के ज़्यादा करीब है, तो हमने इसी तरह इसको 1 पुट कर दिया, राइट? इसको हमने जो क्लस्टर है हमारे पास 1, उसमें पुट कर दिया। फिर हमारे पास दूसरा एक और पॉइंट आया 5, ये इस 5 के कितना करीब है? ये से काफ़ी करीब है, कितना करीब है? बिल्कुल उसके ऊपर मौजूद है, तो 0 डिस्टेंस है, फाइन। इसी तरह इसके दरमियान डिस्टेंस 2 है, तो 5 का, इस पॉइंट 5 का जो कि ये जगह बनती है, इसका डिस्टेंस इससे 0 है और इससे 7 है। अब ये विजुअली भी अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ सकता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको पुट कर दिया, क्लस्टर बन गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट था 6। जो नेक्स्ट पॉइंट 6 है, इसका जब हमने इससे डिस्टेंस निकाला और इन दोनों से हमने जब डिस्टेंस निकाला, दोनों का डिस्टेंस 1 1 था, तो अब दोनों में कॉमन डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसे क्लस्टर 1 में डालना चाहें, क्लस्टर 2 में डालना चाहें। इस केस में हमने उसे क्लस्टर 2 में प्लेस कर दी, ठीक हो गया जी? तो आप इसे जिसमें भी प्लेस करना चाहें आप उसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह आपने बाकियों को भी चेक किया और आपको पता चला कि अच्छा डिस्टेंस किसका ज़्यादा आ रहा है, कम, जिसका डिस्टेंस है उसको उस क्लस्टर में हम पुट करें। जैसे 11 था, 11 में से 5 माइनस किया 6 आ गया, 11 में से 7 माइनस किया 4 आ गया, तो इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस कम है? 4 कम है, तो हमने इस 11 को क्लस्टर नंबर 2 में पुट कर दिया, एंड ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको आसान, यहाँ पर अगर हम, ये तो मैथमेटिकल वे है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ये कंसिडर करें कि एक हमने सेंटर कंसिडर किया है, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट इस सेंटर के करीब है या ये वाला पॉइंट इस सेंटर के करीब है? अगर ये पॉइंट इसके करीब है तो इसको हमने इसके क्लस्टर में डाल दिया है। इसी तरह ये पॉइंट इसके ज़्यादा करीब है, ये वाला जो इसके बिल्कुल बैक एंड पर है वो इसके करीब है, ये वाला इन दोनों के करीब था, हमने इसमें पुट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट इसके ज़्यादा करीब है, ये वाला पॉइंट इसके ज़्यादा करीब है, ये पॉइंट इसके ज़्यादा करीब है, अब ये सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली इसके ज़्यादा करीब हैं, तो हमने इन सबको इसके क्लस्टर में पुट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट, अब हमें बताया कि ये 3 एलिमेंट्स इस क्लस्टर का हिस्सा है, तो इन तीनों एलिमेंट्स की अगर आप एवरेज ले लें, इन तीनों की एवरेज ले लें, तो ये जो भी एवरेज आएगी हम कंसिडर करेंगे कि वो हमारा नया सेंटर पॉइंट है। तो इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो ये जो 3 पॉइंट्स थे, ये वाले 3, 2 3 एंड 5, 5 प्लस 3 कितना बना? 8, शाबाश, एंड 8 प्लस 2, 10, ज़बरदस्त, चलिए।
और इसकी अगर हमने एवरेज लेनी है तो ऑब्वियसली क्योंकि तीन एलिमेंट्स हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी 3.33। तो जो नया सेंटर अब हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ 3.33, इस जगह पर हमने 3.33 कंसिडर कर लिया। और जो जो बाकी तमाम एलिमेंट्स थे अगर आप इन सब का सम निकालेंगे तो दैट बिकम 71, और अगर आप इसकी एवरेज देखें तो ये 10.14 इसकी एवरेज बनती है। तो आपने नेक्स्ट टाइम के लिए 10.14 कंसिडर कर लिया, यानी एक इस जगह पर आपने कंसिडर कर लिया सेंटर और एक इस जगह पे सेंटर कंसिडर कर लिया। बेसिकली ये तो अभी हमने रेंडमली दो सेंटर्स कंसिडर किए थे, अब जब हमने ये दो नए सेंटर्स बना लिए, अब इस सेंटर का, इस पॉइंट का, ये जो वाला जो पॉइंट है इसका इस सेंटर से भी और इस सेंटर से भी डिस्टेंस निकालना है। अगेन जिससे डिस्टेंस उसका कम होगा उसको उस क्लस्टर में प्लेस करते रहें। तो इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली इससे कम है तो इसी के साथ आएगा, इसका भी इससे कम है, इसका भी इससे कम है, इसका भी इससे डिस्टेंस कम है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर हम देखना चाहें, ये पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें इसके साथ डिस्टेंस इसका 3.67 और 3.14 है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 3.67 और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 3.14। तो इसलिए ये इस क्लस्टर के अंदर प्लेस हो गया, और इसका तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इसी से कम था और इन सब का भी था। तो ये सारे के सारे इस क्लस्टर में पुट हो गए, और ये चार जो कि पहले तीन थे अब ये चार इस क्लस्टर में प्लेस हो गए। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि इन चारों का, इन चारों की एवरेज ले लेंगे। अच्छा, अब ये चार कौन से हैं, ये चार थे जो कि अभी हमने बात की, और अगर आप इनको सम निकाल लें तो 2 3 5 6, ये 10 प्लस 6 16 हो गए, एंड 16 डिवाइड बाई 4 इज़ 4। तो नेक्स्ट टाइम जो हम एवरेज कंसिडर करेंगे, इस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट कंसिडर करेंगे, वो 4 है, यानी इसको उठाकर ये जो था नेक्स्ट टाइम के लिए हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। इसी तरह जो रिमेनिंग थे उसको अगर हम देखें तो उन सब का सम बनता है 65, ये जो बाकी सब लोग हैं ये वाले ब्लू में जो मौजूद हैं इन सब का सम बन रहा है 65, और एवरेज बनती है 10.83। तो नेक्स्ट क्लस्टर के लिए हमने इसको 10.83 कंसिडर कर दिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पे यूँ मौजूद हैं, एंड इसको अगर मैं सामने से ही ले आऊँ, हो गया। आप देखें कि यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इस थर्ड पॉइंट पर थे, हम यहाँ पर इसको कंसिडर करें 4 पे, और इसको हमने कंसिडर किया 10.83। अगेन वही प्रोसेस हमने रिपीट किया, इस पॉइंट का इससे भी और इस पॉइंट का इस सेंटर से भी डिस्टेंस निकाला। तो जिसके वो ज़्यादा करीब होगा हमने उसको उसके क्लस्टर में पुट कर दिया। तो इसको, इसके क्लस्टर को हम क्लस्टर 1 कहते हैं और इसके क्लस्टर को क्लस्टर 2 कहते हैं। तो उसमें हमने इन सारे एलिमेंट्स को पुट कर दिया। अब अगेन फिर जब हमने देखा तो ये वाला जो पॉइंट था जो कि पिछली दफ़ा क्लस्टर 2 में था, अब क्लस्टर 1 में शामिल हो गया, ठीक हो गया। एंड अब अगेन ये इसके क्लस्टर, इसके एलिमेंट्स कम हो गए हैं, इसके एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जब हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज मुख्तलिफ आएगी, और जो मुख्तलिफ एवरेज आएगी उसकी वजह से ये हमारे पास नेक्स्ट सेंटर दोबारा आ गया, इधर से नेक्स्ट सेंटर यहाँ पे दोबारा आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह फिर अगेन यही प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे, और अगर हम ये अगली दफ़ा देखें तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो सेंटर यहाँ पे मौजूद था वही सेंटर यहाँ मौजूद रहा, ये सेंटर यहीं मौजूद रहा। क्यों ऐसा हुआ, कौन बताएगा जी? सोच सकते हैं आप, पॉज करके सोच सकते हैं। यस, होता क्या है कि अगर जो चार एलिमेंट्स इसमें मौजूद थे अगले में भी वही चार एलिमेंट्स आ जाएँ तो ऑब्वियसली एवरेज वही रहेगी, क्योंकि इन चारों की जो वैल्यू होगी वो तो वही थी, तो इसलिए सेंटर चेंज नहीं हुए। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके पास बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ जाएगा, और अब आपको ये पता चल जाएगा कि जो डाटा मौजूद है उसमें ये जो चार लोग हैं इन चारों की जो वैल्यूज़ हैं, इनके फीचर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन सी हैं, और ये जो सिक्स एलिमेंट्स हैं इन सिक्स एलिमेंट्स के दरमियान इनके फीचर्स की वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, इनमें आपस में डिस्टेंस कम है। तो ये एक अलग क्लस्टर है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। तो ये भी हमने एग्जांपल नंबर 1 देखी है जिसके अंदर जो एक ही फीचर था जो कि एक्स कोऑर्डिनेट था, तो इनके और सेंटर भी जो हमने कंसिडर किए थे उसका भी सिर्फ एक्स वैल्यू ही थी, तो हमने उनके दरमियान डिस्टेंस सिंपल कैलकुलेट किया, x1 - x2 करके डिस्टेंस कैलकुलेट किया, एंड हमें रिज़ल्ट मिल गया। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट
हम देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह का डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा फीचर्स हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू है, तो कैसे निकालेंगे थोड़ी देर बाद देखते हैं। ओके, बाय बाय, तैयार हो?